लोकसभा चुनाव 2019 को सोचते ही जहन में बहुत कुछ आता है। प्रत्याशी, आरोप प्रत्यारोप, सरकार, विपक्षी पार्टियां, विवादित बयान, जुबानी मर्यादा लांघना। एक जो चीज इस चुनाव में हटकर दिखाई दी वो थी संस्कार, भारतीय संस्कार, जिसने इस तीखी और गर्मजोशी से भरे चुनाव को मानो मीठी सी लोरी सुना दी हो। ये तब हुआ जब लखनऊ से बीजेपी प्रत्याशी राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह ने लखनऊ से कांग्रेस प्रत्याशी आचार्य प्रमोद कृष्णम के झुककर पैर छू लिए, जिसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उन्हें खड़े होकर आशीर्वाद भी दिया। नीरज सिंह का ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और राजनीति से अलग हटकर लोग इसे भारतीय शिष्टाचार के रूप में देख रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, ये तो नीरज सिंह के संस्कार हैं जो उन्हें राजनाथ सिंह ने दिए हैं। एक और यूजर लिखते हैं कि राजनाथ सिंह ने सिर्फ अपने बच्चों को सियासत ही नहीं सिखाई है, संस्कार भी दिए हैं। एक और ट्विटर यूजर लिखते हैं कि ये बीजेपी के संस्कार हैं, नहीं तो कई अपने पिता को ही हटाकर गद्दी पकड़ लेते हैं। ये कुछ ऐसे ट्वीट्स थे जिसमें लोग नीरज सिंह की तरफ से आचार्य को दी गई इज्जत के लिए उनकी तारीफ कर रहे हैं। इसके अलावा नीरज सिंह के पिता राजनाथ सिंह ने सकारात्मक राजनीति की एक ऐसी ही मिसाल पेश की है, जब उन्होंने मुलायम सिंह यादव का स्वास्थ्य खराब होने पर उनसे मुलाकात की थी और बाकायदा ट्वीट कर बताया था, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी से आज लखनऊ स्थित उनके आवास पर भेंट करके उनके स्वास्थ्य एवं कुशल क्षेम की जानकारी प्राप्त की। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य एवं दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। फिर पीएम मोदी ने भी नामांकन से पहले अपने साथ मौजूद एनडीए के सभी घटक दलों में से 91 साल के अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया था। फिर नामांकन के दौरान पीएम मोदी ने अपने चार प्रस्तावकों में से एक अन्नपूर्णा शुक्ला के भी पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया था, जो कि पंडित मदन मोहन मालवीय के परिवार से ताल्लुक रखती है। फिर यूपी में जो बरसों पुरानी दुश्मनी भुलाकर दोस्ती कर जो गठबंधन हुआ है सपा और बसपा के बीच, यहां पर भी शिष्टाचार की अलग ही कहानी देखने को मिली, जब कन्नौज से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के पक्ष में बसपा सुप्रीमो मायावती वोट मांगने पहुंची थी, तो इस दौरान डिंपल यादव ने पैर छूकर मायावती का आशीर्वाद लिया था। हालांकि शिवपाल यादव ने इसका पुरजोर विरोध किया था और डिंपल पर समाजवाद को नीचा दिखाने तक की बात कह दी थी। लोकसभा चुनाव 2019 की ये कुछ तस्वीरें ऐसी थी जो नेगेटिविटी को दूर कर पॉजिटिविटी लाती हैं, दिखाती हैं कि इस चुनावी जंग में अभी भी कुछ ऐसी भावनाएं हैं, ऐसा बर्ताव है, व्यवहार है जो अच्छा करने की तरफ प्रेरित करता है, जो खुद को बदजुबानी दुर्व्यवहार से अलग रखने के लिए प्रेरणा देता है। लोकसभा चुनाव के बीच निकलकर सामने आई ये तस्वीरें भारत की संस्कृति को दिखाने के लिए काफी हैं। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि जब 23 मई को परिणाम घोषित होंगे और ईवीएम में बंद प्रत्याशियों की किस्मत का बंद दरवाजा जब मतों की काउंटिंग के माध्यम से खोला जाएगा, तब पता चलेगा कि इन चुनावों में जो जात पात धर्म भेद को किनारे करके जो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त किया गया है, उसका फल भी प्राप्त होता है या नहीं।